जिले के सभी डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदर एसडीओ के द्वारा सिविल सर्जन पर मीटिंग में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर जिले के स्वास्थ्य कर्मी सभी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं सभी प्रखंड के अस्पतालों में अस्पताल कर्मी और डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, जहां ओपीडी सेवा को पूर्णतः बंद रखा गया है। वहीं इमरजेंसी सेवा चालू है, वैसे में मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं डॉक्टर मोहन पासवान का कहना है कि हम लोग निर्णय लिए हैं कि वो आज से सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे, ओपीडी सेवा बंद रहेगी और हम लोगों को प्रशासन के तरफ से कोई बात अभी तक करने नहीं आया है। हम लोगों की मांग है कि इस प्रकार की घटना ना हो। वहीं हम लोग मांग करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म में एसडीओ ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, वहीं पर वह आकर अपना खेद प्रकट करे और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इसे पदाधिकारी को हटाया जाए। वहीं एसडीओ हेमंत सती ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि न्यायिक आयोग के आने पर एम्बुलेंस नहीं आने को लेकर हमने सिविल सर्जन से इसके बारे में पूछा। मैंने लो एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी मेरी थी, अगर मैंने इसको लेकर कोई अमर्यादित भाषा बोला गया है तो हमें खेद है। खबर 365 न्यूज के लिए साहिबगंज से बीरू के साथ दीपक देशमुख की रिपोर्ट। ओपीडी सेवा बाधित किए हैं और ये ओपीडी सेवा बाधित का मतलब एक सांकेतिक हड़ताल है, क्योंकि दो दिन पहले जो सिविल सर्जन के साथ हमारे माननीय सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ सदर एसडीओ के द्वारा, तो ये असवनीय घटना के कारण हम लोग कल एक मैराथन बैठक करके जिसमें कि भाषा आईएमए और कर्मचारी महासंघ के सभी पदाधिकारीगण के और संयुक्त निर्णय हुआ कि नहीं आज से हम लोग सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जिसमें कि ओपीडी सेवा नहीं करेंगे हम लोग, बाकी सब सेवा चालू रहेगा पूर्व। जैसे कि इमरजेंसी में जो भी काम होगा, इंजरी है, पोस्टमार्टम है, डिलीवरी है, ऑपरेशन है या कोई भी इमरजेंसी केसेस आता है तो वो सब चालू रहेगा, कोविड भी चालू रहेगा। जो न्यायिक आयोग एक सदस्य न्यायिक आयोग जो रांची से आया था, उस संदर्भ में जो उपायुक्त महोदय के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें कहा गया था कि ये सभी चीज़ों को दो घंटा पूर्व जो हेलीकॉप्टर जहाँ पर उतरना था वहाँ पर पहुँचना था, क्योंकि इस क्रम में सभी लोग जिला प्रशासन के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन चूँकि एम्बुलेंस देरी से आई थी, जब आयोग निकल गया वहाँ से उसके पश्चात एम्बुलेंस पहुँची, तो इसी क्रम में सिविल सर्जन महोदय से यही वार्तालाप हुई कि आपने कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँची, चूँकि उनके द्वारा फिर कहा गया कि हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जबकि जो पत्र था उसके हिसाब से दो घंटा पूर्व चीज़ों को पहुंचना था। तो इसी क्रम में जो 15 अगस्त की बैठक थी उस बैठक में उनको सूचित किया गया। तो सर क्या कुछ सर तो अभद्र व्यवहार को लेकर सर एक मामला, देखिए अगर अभद्र व्यवहार का इंटेंशन ऐसा नहीं है, इंटेंशन यही था कि चीज़ें ऑर्डर ऑफ प्लेस रहे, चीज़ें चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने पदाधिकारी की होती है, तो उसी लॉ एंड ऑर्डर के क्रम में यदि हमने कुछ बोला है तो इसके लिए तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए हम क्षमा याचना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इंटेंशन मेरा एकदम क्लियर था, इंटेंशन यही है कि चीज़ें ऑर्डर ऑफ प्लेस पे रहे, चीज़ें सही रहे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।